दोस्तों, फेफड़े यानी लंग्स, जो कि शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है, सांस लेने के साथ साथ शरीर से प्रदूषित और हानिकारक धुएं को भी बाहर निकालना फेफड़ों का ही काम होता है। स्वस्थ फेफड़े हमें कई प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं, जैसे अस्थमा, निमोनिया, कोरोना महामारी और बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारे फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, जिससे चलते सांस फूलने और सांस लेने में समस्याएं आ रही हैं। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट बहुत जरूरी है। फेफड़ों को नुकसान से बचाने और हेल्दी रखने के लिए आप इन इंडियन फूड्स का सेवन कर सकते हैं। अदरक। अदरक में जिंजरोल नाम का तत्व पाया जाता है, जो खांसी को कम करने में मददगार है। अदरक में पाए जाने वाले पोषक तत्व फेफड़ों की सूजन और इन्फेक्शन को दूर करने में मदद कर सकते हैं। विटामिन सी युक्त फूड्स। विटामिन सी शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। विटामिन सी के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है। विटामिन सी से भरपूर फूड्स जैसे आंवला, नींबू, संतरा आदि के सेवन से फेफड़ों को हेल्दी रखा जा सकता है। अखरोट। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फाइटोएस्ट्रोजेंस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे दिल और रक्त वाहिनियों को बचाव करने में मदद कर सकते हैं। अखरोट के सेवन से फेफड़ों को हेल्दी रखा जा सकता है। पालक। पालक में बीटा कैरोटीन, जिया जैंथीन, ल्यूटीन और क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। पालक की पत्तियों को हरा रंग देने वाले क्लोरोफिल एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है, जो फेफड़ों को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है। हल्दी। हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन तत्व कैंसर से लड़ने में काफी मददगार माना जाता है। करक्यूमिन में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जो फेफड़ों में प्रदूषण की वजह से होने वाले किसी भी सूजन और इन्फ्लेमेशन से बचाने में मदद कर सकती है। सेब। रोजाना सेब का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। सेब में विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम समेत कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो फेफड़ों और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। EN360 की रिपोर्ट के साथ मैं हूं कनिष्का शर्मा।